हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ चाय के साथ खाया जाने वाला बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस नाश्ते को आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेसन ब्रेड टोस्ट बनाना। टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल और इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप के करीब बेसन। और बेसन का हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा ही पानी डालेंगे, एक साथ ही बहुत सारा पानी नहीं यूज करेंगे। और यहां पर मैंने बेसन का ये स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है। अब इसमें हम डालते हैं बाकी सारी चीजें। तो यहां पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, तो 2 हरी मिर्च है, मैंने इसे बारीक कट करके लिया है। साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर हरा धनिया 2 चम्मच के करीब। साथ में डाल लेंगे कुछ मसाले, तो हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच का भी आधा लेंगे, 1/8 चम्मच। साबुत जीरा डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब। लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच ही ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और डाल लेंगे साथ में नमक स्वाद के अनुसार, तो यहाँ पर नमक भी मैं 1/4 चम्मच के आसपास ले रही हूँ। और अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। और ये हमारा बेसन का बैटर बनके तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा। इसमें अब कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ मैं, सिर्फ इसे मिला लेना है। और गैस पर मैंने एक तवा चढ़ाया है। तो ये मिक्स हो गया और मिक्स करने के बाद इस विस्कर को हटा देते हैं। और यहाँ पर बेसन का बैटर तैयार हो गया है। साथ में मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। और ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है ये हम इस ब्रेड के स्लाइस पे लगाएंगे। तो 1 ब्रेड मैंने अभी हटा दी है, पहले हम इसे तैयार करेंगे। और इस तरीके से ये बेसन वाला बैटर हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, जैसे कि बटर लगाते हैं, सेम प्रोसेस से चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है। और ये चाय के टाइम का बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता है, सभी को बहुत ही पसंद आएगा ये। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए ये नाश्ता। और इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है क्योंकि इसे हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं। और इस तरीके से हमें ब्रेड तैयार कर लेनी है। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और गैस पर मैंने चढ़ाया एक नॉनस्टिक तवा और इसे 1 चम्मच तेल से हम इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद जो हमने ब्रेड पे बेसन लगा के रखा हुआ है वो हम इस पे तवे पे डालेंगे। तो ये ब्रेड में तवे पे डाल लेती हूँ, बेसन वाली साइड हम तवे की तरफ करेंगे ऐसे। और ब्रेड के दूसरी तरफ भी ये बेसन वाला बैटर हम लगा देंगे। तो ये जो हमने पूरा बैटर तैयार किया केवल 2 ब्रेड के लिए है ये। और यहां पर मैंने दूसरी तरफ भी ये बैटर लगा दिया है। किनारों पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसके ऊपर भी डाल देंगे हल्का हल्का। और जब तक चाय बनेगी तब तक ये ब्रेड भी बनके तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर ब्रेड हमारी एक तरफ से सिक गई है, तो एक बार हम पलट कर चेक कर लेते हैं और ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएगी। और ये देखिए, और दूसरी तरफ से भी इसे हमें सेक लेना है, तो अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो अलट पलट कर इसे हमें पका लेना है, ताकि जो इसमें हमने बेसन लगाया है वो कच्चा ना रहे। और यहाँ पर मैंने ये बेसन ब्रेड टोस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस इसे अलग तड़कर इसी तरीके से तैयार कर लेना है और बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और ये तैयार है बिल्कुल हमारा चाय के टाइम का नाश्ता। और मैंने यहाँ पर तवे पर दोबारा से 1 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे
और उसे फैला लेंगे। और दूसरा ब्रेड जो है इसी तरीके से हम सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन ब्रेड टोस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं और केवल 5 मिनट में ये बन के तैयार हुए हैं। और इसे अब कट कर लेते हैं, तो अपने मनपसंद साइज में से शेप में कट कर सकते हैं। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। ये देखिए, लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बेसन ब्रेड टोस्ट बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। खाने में उतने ही टेस्टी हैं और बनाने में उतना ही आसान है। तो जरूर ट्राई कीजिए शाम के टाइम पर, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।